हेलो एंड वेलकम टू आर डिस्कशंस ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं इन दिनों इन्वेंट्री मॉडल्स की इन्वेंट्री मॉडल्स को पास्ट क्लासेस के अंदर हमने देखा है कि इन्वेंट्री मॉडल्स बेसिकली अगर हम देखें तो दो में बांटे जा सकते हैं परचेज मॉडल्स एंड मैनुफेक्चरिंग मॉडल्स फर्दर परचेज मॉडल्स को अगर देखा जाए तो दे कैन भी विद शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज मैनुफैक्चरिंग मॉडल्स को देखा जाए तो दे कैन बी विद शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज तो आज से हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज एंड परचेज मॉडल विथ शॉर्टेज तो इसको अगर हम देखें परचेस मॉडल विदाउट शॉर्टेज एंड परचेज मॉडल विद शॉर्टेज हम देख हम ये देख ही चुके हैं कि किस तरह से यह साइकिल चलती है हमारी क्या हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होनी शुरू होती है धीरे धीरे जो हमारा कंजम्पन रेट है उस रेट से डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पर आकर के वो कहां पहुंच जाती है जीरो पर पहुंच जाती है तो ये तो साइकिल हम देख ही चुके हैं फिर क्या हो जाता है कि यहां पे जैसे ही आपका जीरो होता है आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आपका इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट है इसलिए आपके पास हाथों हाथ नया ऑर्डर आ जाता है और फिर आप उसको धीरे धीरे कंस्यूम कर लेते हैं अब अगर मैं इस को देखूं, तो ये एक्सेस क्या क्या है हमारे पास वी हैव टाइम ऑन वन एक्सेस एंड इन्वेंट्री लेवल ऑन अनदर एक्सेस दिस इज इनवेंट्री ये कितना इन्वेंट्री है तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एक हिंट लिया था कि किस तरह से ये इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है दिस इज आइडिया बिहाइंड बेसिक कौन सा मॉडल है ये हमारा परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज अब अगर हम इसके अंदर पैरामीटर्स को देखें तो क्या क्या पैरामीटर्स है हमारे पास एक तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है स्विंग इन इन्वेंट्री वी हैव क्यू विच इज नोन एज स्विंग इन इन्वेंट्री क्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए स्विंग इन इन्वेंट्री कहां पे लिखा जाए इनको लेटर्स राइट दैम ऑल ओवर हियर स्विंग इन इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री लेवल आप कहां तक पहुंच गए और फिर जब सामान आता है तब आप कहां पहुंच जाते हैं अचानक से चेंज हो गए तो हम जीरो तक आ गए जैसे ही सामान आता है हम कहा पहुंच जाते हैं पॉजिटिव तक पहुंच जाते हैं वट विल डू इज प्लॉट और ग्राफ्स यूजिंग सम अदर कलर दैट बी बेटर जिससे कि इन्वेंट्री हमारे को क्लियरली दिखने लग जाएगी इस तरह का कुछ ग्राफ है हमारा है ना ये तो हम पहले बात कर चुके हैं तो एक तो हुआ स्विंग इन इन्वेंट्री विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू उसके अलावा जो कुछ हम इन्वेंट्री लेवल्स चेक करेंगे वो होंगे क्यू वन एंड क्यू टू Q1 क्या है हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल देन वी हैव Q2 टू विच इज इन्वेंट्री लेवल कि नेगेटिव कहां जाए इसमें हमारा मिनिमम कितना आ रहा है जीरो जब अभी हम शॉर्टेज के साथ देखेंगे दिस वॉज दिस इज विदाउट शॉर्टेज जब हम विध शॉर्टेज देखेंगे तो वो कहा चला जाएगा नेगेटिव में भी चला जाएगा तो क्यू टू बिकम मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जो हमारा हिट कर सकते हैं इन दिस केस वी ओनली हिट जीरो जबकि शॉर्टेज मॉडल में हम कहीं पर भी जा सकते हैं देन हम दो यहां पर पैरामीटर्स यूज करेंगे जिनके लिए फॉर्मूला देखेंगे विच विल बी ईओ क्यू एंड ई बी क्यू ये क्या है दोनों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तो ये जनरली क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम बोलते हैं तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर देना ऑर्डर किसको देते हैं सप्लायर को देते हैं हम so, तो ये जनरली परचेस मॉडल के लिए होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के लिए होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स की बात करेंगे तो उसमें तो किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। अपनी टीम को बोल रहे हैं कि लाओ इतने का एक बैच चलाया जाए टू थाउजेंड सी डी हंड्रेड एस एस बनाई जाएंगी टू थाउजेंड सी डी हंड्रेड बनाई जाएंगी तो आप क्या कह रहे हैं अलग अलग बैचेस का उनको बोल रहे हैं। तो ये हो गए हमारे क्यू क्यू वन क्यू टू ईबी क्यू एंड ई क्यू दे क्या हो जाएगा हमारा साइकिल टाइम और टाइम बिटवीन ऑर्डर ये हो जाएगा हमारा टी इसके अलावा कुछ और टी आएंगे टी वन टी टू टी थ्री टी फोर वो जब जिस फॉर्मुले में आएंगे जिस मॉडल में आएंगे वहां पर हम देख लेंगे यहां पर अगर हम देखें तो वी हैव क्यू वी हैव टी टी क्या है बेसिकली टी है साइकिल टाइम साइकिल टाइम मतलब कब वो साइकिल वापस अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है तो हमने प्रोक्योर किया ऑर्डर दिया हमारे पास सामान आया धीरे धीरे वो कंज्यूम होता गया जीरो पहुंच गया जब जीरो पहुंचा तो फिर से सामान मंगाएंगे इसी तरह से ये बढ़ जाएगा जैसे ये बढ़ा यहाँ भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा तो ये जो बढ़ना और कम होना है दिस इज वन साइकिल सेम पैटर्न चलेगा सेम ट्रेंड चलेगा तो दैट इज नोन एज वन साइकिल तो या तो ये इसको सेकंड टाइम कह सकते हैं या इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कितनी कितनी देर में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। यहां क्या हो गया ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने कितने टाइम बाद टी टाइम के बाद तो इट कैन बी साइकिल टाइम और टाइम बिटवीन ऑर्डर्स नाउ इफ वी लुक एट फॉर्मूले कि क्या फॉर्मूले रहेंगे क्या फॉर्मूला रहेगा क्यू का टी का ईओ e क्यू का तो फर्स्ट मॉडल के अंदर हम किस तरह से लिख सकते हैं इन फॉर्मूले को फॉर दिस मॉडल कौन सा है हमारा परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज इसके लिए हमारा ई ओ क्यू क्या रहता है अंडर रूट ऑफ टू अपॉन सी अब यहां पे हमारे पास ए ओ और सी और आ गए वट इज ए डिमांड फॉर पीरियड वट इज ओ Ordering cost per order. And what is C? C is carrying cost per unit per period. And then we have one more cost that is shortage cost. Shortage cost. पर यूनिट पर पीरियड फाइन तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो हम यूज करने वाले हैं ईओ क्यू क्या है हमारे पास परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज के लिए अंडर रूट ऑफ टू एओ अपॉन सी अंडर रूट ऑफ टू एओ अपॉन सी इसको हम पहले भी देख चुके हैं जहां हमारा ईओ के का डिस्कशन हुआ था तो दिस इज द वेरी बेसिक वेरी प्राइमरी मॉडल इसके अंदर जो हमारा था वो एज इट इज ई क्यू यूज हो जाएगा हाँ अब जब हम इस बेसिक मॉडल को देखते हैं तो ईओ क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन सी ऑल्सो ईओ क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू वन ईओ क्यू क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू क्या है स्विंग और चेंज इन इन्वेंट्री तो अर आपने थाउजेंड यूनिट्स ऑर्डर किए हैं जैसा हमने प्रीवियस एक्जाम्पल के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि फिर वो एट हंड्रेड हंड्रेड फोर हंड टू हंड्रेड जीरो होती भी, कम होगी फिर थाउजेंड वापस से आ जाएंगी और कम होती जाएंगी तो इस केस में इो क्यू क्या है ऑर्डर कितना किया है थाउजेंड का स्विंग इन इन्वेंट्री कितना है जीरो से लेके थाउजेंड का तो स्विंग इन इन्वेंट्री इज ऑल्सो थाउजेंड मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना है थाउजेंड का ये तो दिस इज अ वेरी बेसिक मॉडल दिस इज प्राइमरी मॉडल इसके अंदर ईओ क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू वन सारी क्वांटिटीज इसके अंदर क्या है बराबर है एंड व्हाट अबाउट क्यू टू क्यू टू इज सिंपली जीरो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है हमारा क्यू टू इज जीरो क्योंकि यहां पर जीरो हिट करते हैं और वापस से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं सो वी हैव ऑल क्वांटिटीज क्यू क्यू वन क्यू बी क्यू इज नॉट एप्लीकेबल फॉर परचेज मॉडल ईबी क्यू इज एप्लीकेबल फॉर मैनुफेक्चरिंग मॉडल्स इट इज सेम एज ई क्यू इज फॉर परचेज तो यहां हम परचेज में थे इसलिए हमने क्या ले लिया ई क्यू सो वी आर थ्रू विद ऑल क्वांटिटीज वट अबाउट टी टी का क्या करें टी वुड बी टी क्या है हमारा साइकिल टाइम और टाइम बिटवीन ऑर्डर तो साइकिल टाइम और टाइम बिटवीन ऑर्डर क्या हो जाता है हमारे लिए क्यू अपॉन Q is your inventory level. और अदर Q को हम क्या लिख देते हैं EOQ लिख देते हैं यहां तो Q से चल जाएगा लेकिन हमारे को T वैसे क्या चाहिएगा EOQ upon A. This is our cycle time. EOQ upon A. तो ये हो गए हमारे सारे पैरामीटर्स वी हैव क्यू क्यू वन क्यू टू ई क्यूबी क्यू इज नॉट एप्लीकेबल टी आ गया एओसी शॉर्टेज मॉडल ये है नहीं इट इज विदाउट शॉर्टेज तो एस को हमने यूज नहीं किया दिस इज आर वेरी फर्स्ट वेरी बेसिक परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज दिस इज आर वेरी बेसिक प्राइमरी मॉडल अब अगर हम सेकेंड मॉडल पर चले तो वो क्या है परचेज मॉडल विद शॉर्टेज तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए कुछ जगह बना लेते हैं अच्छा ये छोटा ही है तो यहीं पे इसको पैक कर देते हैं मेक इट डबल सो दैट इट स्टैंड्स आउट और ये वो हाइब्रीवेशन हैं जिनको हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। सभी मॉडल्स में ये तो फिक्स रहेंगे तो लेट देम बी सेपरेट ये बना हमारा फर्स्ट मॉडल कैन आई राइट डाउन फर्स्ट मॉडल कौन सा मॉडल है ये परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज नाउ इफ आई मूव ऑन टू माय सेकंड मॉडल सेकंड मॉडल क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड मॉडल को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो किस तरह का रहेगा

हाँ, हमारी इन्वेंट्री बढ़ कैसे रही है जैसे ही ऑर्डर किया आपने पूरी इन्वेंट्री बढ़ गई फिर धीरे धीरे कंज्यूम किया जीरो पे आप रुके नहीं जीरो पे आपने क्या किया शॉर्टेज के अंदर जाने दिया वाई बिकॉज दिस टाइम वी आर स्टडी परचेज मॉडल विद शॉर्टेज तो इस बार हम परचेज मॉडल विद शॉर्टेज पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने क्या किया कि जब आप जीरो पे पहुंचे तो आपने ही नहीं और आपने अपने आप इन्वेंट्री लेवल को नेगेटिव के अंदर जाने दिया बिकॉज शॉर्टेजेज आर अलाउड तो यू टुक बेनिफिट ऑफ दैट शॉर्टेज हमने शॉर्टेज क्यों अलाउ कर दी क्योंकि शॉर्टेज अलाउ करने से क्या होता है यहां पर इसको देखें हम समझे ऑर्डर हम देते हैं थाउजेंड यूनिट्स का ठीक है पहले तो देखते हैं कि थाउजेंड यूनिट्स का विद ये कर देते हैं विदाउट शॉर्टेज जब आप थाउजेंड का ऑर्डर देते हैं तो आपके पास क्या होता है थाउजेंड यूनिट्स आ जाती हैं और आपके गोडाउन के अंदर आपको कितनी रखनी पड़ती है थाउजेंड रखनी पड़ती है फिर यह थाउजेंड धीरे धीरे हमने देखा था कि एट हंड्रेड सिक्स करती हुई खत्म हो जाती है और फिर जब आप वापस से थाउजेंड का ऑर्डर प्लेस करते हैं क्योंकि आपका हो सकता है EU की थाउजेंड आया वो 1000 फिर से ये कहां पहुंच जाएगी उंड पे पहुंच जाएगी और फिर से ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो दिस इज आर वन साइकिल ठीक है ये हमने देखा अब इसके अंदर हम जो डिफरेंस देख रहे हैं कि विदाउट शॉर्टेज एंड विद शॉर्टेज में डिफरेंस क्या आ जाता है यहां क्या था इट वॉज थाउजेंड यूनिट का ऑर्डर था कंजप्शन डेली कंजम्पन कितना था टू हंड्रेड यूनिट्स का ठीक है ना ये बना हमारा मॉडल ये हमारे समझ में भी आ गया है कि दिस इज़ तो हमने ऑर्डर भी कितना, कितना गोडाउन में वो भी कितनी है थाउजेंड ही है। जैसे ही हम इसको विदाउट शॉर्टेज को विद शॉर्टेज बनाते हैं तो पहले तो ये बताओ शॉर्टेज कितनी अलाउड है तो शॉर्टेज लेट्स से हमारे पास कितनी अलाउड है फोर हंड्रेड यूनिट्स की कर देते हैं मतलब आपके पास जब सामान आए तो आप ऑर्डर मत करना जब पहले दिन सामान आएगा और आप ऑर्डर उनको सप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या होगा आपके पास दो सौ टू हंड्रेड यूनिट्स की शॉर्टेज होगी अगले दिन फिर क्या होगा डेली डिमांड तो टू हंड्रेड की अगले दिन फिर टू हंड्रेड यूनिट्स की डिमांड आएगी आप फिर से सप्लाई नहीं कर पाओगे और आपके पास टू हंड्रेड की और शॉर्टेज आ गई हाँ जब आप इनको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको क्या कह दो कि मैं आपको परसों भिजवा दूंगा मैं आपको कल भिजवा दूंगा जो भी डेट आपको एक्सपेक्टेड लगता है कि सामान आ जाएगा आप वो डेट दे दीजिए दिस इज नोन एज बैक ऑर्डरिंग हमारे पास माल नहीं है लेकिन हमने ऑर्डर लेकर के रख लिया है और इसको बाद में फुलफिल कर देंगे तो अब हो ये रहा है कि जब थाउजेंड है और टू हंड्रेड सप्लाई कर दी तो आप एट हंड्रेड पर आ जाते हो एट हंड्रेड है और टू सब टू हंड्रेड सप्लाई कर दी आप फोर हंड्रेड पे आ जाते हो टू हंड्रेड है और टू हंड्रेड सप्लाई कर दी आप जीरो पे आ जाते हो अब जीरो है और टू हंड्रेड सप्लाई कर दी एक तरह से ऑर्डर तो लेके रख ही लिया तो आप कहाँ आ जाते हो फिर 200 नीचे आ जाते हो नेगेटिव 200 तो हम बैक ऑर्डरिंग कितने अलाउ कर रहे हैं विद शॉर्टेज कितनी है विद शॉर्टेज और इट इज आल्सो नोन एज बैक ऑर्डरिंग कभी-कभी क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये बैक ऑर्डरिंग के नाम से मिल जाएगा कितना है 400 यूनिट्स तक नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन अब जब मेरे पास सामान आ जाएगा तो मैं क्या करता हूं कि जब मैं जीरो पे पहुंच जाता हूं जीरो पे रुकता नहीं हूं मैं टू हंड्रेड की फर्दर बैक ऑर्डर्स लेता हूं फोर हंड्रेड के फर्दर बैक ऑर्डर्स लेता हूं फोर हंड्रेड के बैक ऑर्डर्स लेता हूं और फिर जब मेरा ऑर्डर करता हूं तो मैं कितने का करता हूं थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया उसमें से फोर हंड्रेड तो यह चली गई फोर हंड्रेड तो ऑलरेडी आप ऑर्डर लेके बैठे थे सबसे पहले उनको सप्लाई करो अब गोडाउन में कितना रखवाना पड़ेगा गोडाउन में आपका जा रहा है सिक्स हंड्रेड ओनली अंडरस्टैंड थाउजेंड यूनिट्स ऑर्डर की थी स्विंग भी थाउजेंड का आया था माइनस फोर हंड्रेड यह कितना लेवल है माइनस फोर हंड्रेड और यह कितना लेवल है सिक्स हंड्रेड तो जब मैंने थाउजेंड मंगाई तो पूरा थाउजेंड आया मेरे पास लेकिन वो फोर हंड्रेड तो जो अप्लाई करना था पुराना उसमें चला गया अब गोडाउन में कितना जाएगा सिक्स हंड्रेड ही जाएगा तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विदाउट शॉर्टेज एंड विद शॉर्टेज विदाउट शॉर्टेज में गोडाउन के अंदर थाउजेंड पूरा जा रहा था जबकि विद शॉर्टेज में गोडाउन में सिर्फ सिक्स हंड्रेड जा रहा है इसकी इम्प्लिकेशन क्या है मैं छोटे गोडाउन से काम चला सकता हूँ छोटा गोडाउन होगा तो किराया कम लगेगा किराया कम लगेगा तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी इसका मतलब वेनएवर शॉर्टेजेस आर अलाउड वी शुड ट्राई टू अवेल शॉर्टेजेस जहां तक हम उसको अवेल कर सकें जिससे कि ये जो मैक्सिमम इन्वेंट्री जिसको मैं हिट करने वाला हूँ वो कंट्रोल रहेगी लिमिट में रहेगी लिमिट में रहेगी रहे तो क्या होगा हमारे को गोडाउंस कम लेने पड़ेंगे गोडाउन कम लेंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी खर्चा कम हो रहा है दैट इज द आइडिया ऑफ यूजिंग शॉर्टेजेस शॉर्टेज कोई बुरी बात नहीं होती है इन अ बिजनेस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टेजेस को यूज करते हैं बहुत बार आपने ये सुना होगा कि हाँ कल सुबह आप ले लीजिए खासकर जब आप छोटी जगह पर रहते हैं और आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड मांगने चले जाएँ सामान कोई लैपटॉप मांग लेते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल मांग लेते हैं प्रिंटर मांग लेते हैं प्रिंटर की कार्ट्रिज मांग लेते हैं या एक गेमिंग कार्ड मांग लेते हैं ग्राफिक्स अडेप्टर मांग लेते हैं तो वो आपको मना नहीं करता है वो कहता है कल सुबह ले लीजिए उसने क्या किया इन्वेंट्री कैरी नहीं की लेकिन उसका ऑर्डर ले लिया तो अब एक्चुअली उसकी इन्वेंट्री कहाँ चली गई नीचे अब वो क्या करता है फ़ोन करता है दूसरे सिटी के अंदर वहाँ से वो मंगवा लेता है सिटी के अंदर या दूसरे किसी रिटेलर डीलर के पास अब उससे जैसे ही वो इन्वेंट्री आएगी वो इन्वेंट्री लेकर के मेरे को दे देगा इसका मतलब उसने क्या किया एक यूनिट खरीद के बेच दी लेकिन इन्वेंट्री नहीं कैरी की तो जब इन्वेंट्री कैरी नहीं करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी तो शॉर्टेज इज नॉट अ बैड थिंग शॉर्टेज इज यूज एज अ टूल और क्यों यूज की जाती है क्योंकि गोडाउन कम चाहिए जैसे कि यहीं पर हम देखें कहां पहले हमारे को थाउजेंड का गोडाउन चाहिए था विदाउट शॉर्टेज मॉडल में विद शॉर्टेज में आपको कितना गोडाउन चाहिए छह का ही चाहिए तो शॉर्टेज इज एन ओके थिंग नो इश्यूज विद इट हां अगर मैं यहां से वेरियस ये जो लेवल्स हैं स्विंग मैक्सिमम मिनिमम ईओक्यू तो यहां ईओक्यू कितना ऑर्डर किया मैंने इस केस में ईओक्यू मतलब ऑर्डर साइज कितना है मेरा ईओक्यू तो मेरा इस केस में है थाउजेंड स्विंग कितना है थाउजेंड क्यों क्योंकि हम माइनस फोर हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड तक चले गए ये स्विंग कितना है थाउजेंड का स्विंग तो स्विंग वट अबाउट क्यू वन क्यू वन क्या होती है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मैं इस केस में कहा जा रहा हूं सिक्स हंड्रेड तक ही जा रहा हूं क्योंकि फोर हंड्रेड तो मैं आते ही दे रहा हूं क्यू टू क्या है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और बैक ऑर्डर कितने के बैक ऑर्डर अलाउड है फोर हंड्रेड के मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और बैक ऑर्डरिंग कि जो आपके पास है नहीं उसको भी आपने ऑर्डर लेकर के रख लिया तो आइडिया समझ में आया कि व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्टेज शॉर्टेज का मतलब इन्वेंट्री नेगेटिव में चली जाएगी नेगेटिव में जाने का मतलब मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने सेल कर दिया जब तक मेरे पास था और सेल कर रहा था इन्वेंट्री नीचे आ रही थी लेकिन जीरो पे और मैं फिर सेल किए जा रहा हूं तो वो अब कहाँ चली गई नेगेटिव में नेगेटिव में जाने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम वेन यू गेट थाउजेंड यूनिट्स थाउजेंड माइनस फोर हंड्रेड करके वो क्या हो गया इन्वेंट्री कहां जंप करेगी गोडाउन में कितना जाएगा ओनली सिक्स हंड्रेड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेज तो लास्ट टाइम व्हेन वी मेट वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन परचेज मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं हमारे को समझने के लिए और इस बार जब हम मिले तो हमने क्या बात की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज एंड शॉर्टेज मॉडल अब इस मॉडल को अगर हम देखें तो वट आर द वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू इट वी हैव क्यू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कहां तक जाएगा सिक्स तक वी हैव Q2 मिनिमम इन्वेंट्री लेवल नेगेटिव में कहां तक जाएंगे वी हैव स्विंग Q इज इक्वल टू ई और यहां हम क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ई क्यूब इज इक्वल टू क्यू वन तो क्यू और यू क्यू तो सेम ही है थाउजेंड का ही ऑर्डर किया है स्विंग भी थाउजेंड का ही हुआ है लेकिन इन्वेंट्री सिक्स हंड्रेड ही जा रही है और नेगेटिव फोर हंड्रेड इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट दिस हाँ अब कुछ और भी चीजें हैं हमारे पास वो क्या है T1, T2. और अगर पूरा एक साथ ले लें ले तो वो हो जाएगा टी हमारे तो पास कंप्लीट साइकिल भी है कंप्लीट साइकिल कितनी है से पॉजिटिव जाने वाली और पॉजिटिव साइकिल अगर इसको देखें टीवन को टीवन को अगर मैं देखता हूं तो टीवन कौन सा पैच है दिस पैच इज टीवन ये T1 है T1 के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारी इन्वेंट्री कैसी है पॉजिटिव तो वॉट इज T? T इज साइकिल टाइम और टाइम बिटवीन ऑर्डर वॉट इज टीवन टीवन इन दिस केस इज पॉजिटिव इन्वेंट्री लेवल कि मेरे पास इन्वेंट्री है और मैं वो इन्वेंट्री सप्लाई कर रहा हूं और ये जो सेकेंड हमारा स्लाइस आ रहा है वो क्या आ रहा है ये वाला स्लाइस आ रहा है विच वी आर कॉलिंग एज क्यू टू क्यू टू अब क्या सॉरी क्यू टू नहीं टी टू क्यू टू तो इन्वेंट्री लेवल है ये क्या बन जाएगा टी टू तो टी टू क्या है टी टू को अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक है ये कौन सा पीरियड है नेगेटिव इन्वेंट्री लेवल सो टी वन इज द टाइम वेन माई इन्वेंट्री लेवल इज पॉजिटिव टी टू इज माई टी टू इज दैन माई इन्वेंट्री लेवल इज नेगेटिव नेगेटिव और बैक ऑर्डरिंग ये वो पीरियड होता है जब मेरी इन्वेंट्री नेगेटिव में रहती है या मैं बैक ऑर्डर्स ले रहा हूँ। बैक ऑर्डर्स मतलब मेरे पास माल नहीं है फिर भी मैं लोगों को कह रहा हूं कल ले लेना परसों ले लेना जिससे कि जब भी सामान आएगा सप्लाईज आएंगी आई विल सप्लाई दम विद्य तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गई है इसमें से क्यू 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 Q2, T, T1 टी टी वन एंड टी टू अब अगर हम इनके फॉर्मूले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें लिखने की कोशिश करें तो फॉर्मूले क्या हैं इनके लिए क्यू हां इस बार अब आप जब बैक ऑर्डरिंग में जा रहे हैं तो शॉर्टेज भी लग रही है तो शॉर्टेज कॉस्ट ये रही कि जब आप शॉर्टेज में जाएंगे तो कुछ कॉस्ट तो लगेगी हाँ दो इट मे बी इंटेंजिबल लेकिन किसी तरह से तो बस असर्टेन तो करना पड़ेगा अगर उसका इम्पैक्ट स्टडी करना है तो, तो, तो दिस इज़ आर शॉर्टेज कॉस्ट हाँ पहले आपको जब ई ओ पढ़ाया गया था तब आपके बारे में आपसे ये बात की गई थी कि शॉर्टेज को हम जनरली एंटरटेन नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल पता नहीं नुकसान हुआ या नहीं भाई पैंट गिर के टूट गया तो तो नुकसान हुआ लेकिन वो कस्टमर कल आएगा या नहीं ये पता नहीं कल नहीं आया तो उससे आने वाले प्रॉफिट का नुकसान हो गया कल आ गया तो नुकसान नहीं हुआ दस दिन नहीं आया और फिर आने लग गया तो दस दिन का उसका प्रॉफिट का नुकसान हो गया जो प्रॉफिट में उससे लेता तो वी आर नॉट श्योर तो इंटेंजिबल है तो जनरली यूज नहीं करते हैं कहां यूज नहीं करते दिस मॉडल दिस इज वेरी प्योर मॉडल दिस इज प्राइमरी मॉडल दिस अ बेसिक मॉडल लेकिन अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम इनको थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा एक्चुअल थोड़ा रियल बनाते जा रहे हैं सो शॉर्टेज कॉस्ट भी आ जाएगी तो ईओ क्यू का जो हमारा फॉर्मूला है वो वहां पर क्या था टू ए ओ अपॉन सी इधर क्या बन जाता है वो इट बिकम्स टू ए ओ अपॉन C मल्टीप्लाइड बाय C प्लस एस अपॉन एस ये बन जाएगा हमारा ईओ क्यू का फॉर्मूला एंड इंसिडेंटली यहां पे ईओ क्यू एंड क्यू सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं ईयो क्यू इज इक्वल टू क्यू तो क्यू का भी फॉर्मूला मिल गया मेरे को ईयो क्यू मिल गया क्यू मिल गया व्हाट अबाउट क्यू वन क्यू वन कौन सा पीरियड है जब ये पॉजिटिव है तो अगर हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 में क्या हो जाता है द सेम फॉर्मूला गेटिंग रिवर्सड ये जो साथ में फैक्टर लग गया था एक शॉर्टेज के लिए वो रिवर्स हो गया है यू कैन राइट इट एज सी प्लस एस एट सर नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये सर ये चेंज क्यों है ये जो फैक्टर है एग्जैक्टली exactly ये क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया इनवर्ट हो गया तो वी हैवो क्यू क्यू इज इक्वल टू ईओ क्यू तो ये भी आ गया Q1 आ गया हमारे पास Q1 में क्या हुआ ये जो फैक्टर है ये रेसिप्रोकल हो गया Q भी आ गया हमारे पास व्हाट अबाउट Q2? टू कंप्लीट क्यू माइनस क्यू कर दू Q माइनस क्यू वन हैड थाउजेंड माइनस सिक्स हंड्रेड कर दीजिए आपके पास क्या आ जाएगा Q2 आ जाएगा दैट इज फोर हंड्रेड क्यू कितना हो गया थाउजेंड अभी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने अभी जस्ट लिया था थाउजेंड और ये अगर सिक्स हंड्रेड आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो थाउजेंड माइनस सिक्स हंड्रेड वोड या फोर हंड्रेड तो क्यू टू भी आ गया Then, यहां पे हैं वी है एवर यही फिक्स्ड रहेगा ई क्यू अपॉन डिमांड जो आपने यहाँ पे ऑर्डर साइज निकाला है अपॉन जो आपकी ए है डिमांड फॉर द पीरियड है टी हमारा उतना ही रहेगा हमेशा वॉट अबाउट टी वन एंड वॉट अबाउट टी टू तो टी की अगर टी वन की अगर हम बात करें टी क्या है टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स मतलब मैंने थाउजेंड यूनिट्स मंगाई वो थाउजेंड खत्म करने के बाद वापस से मंगाऊंगा तो टी के अंदर कितनी क्वांटिटी आपने कंज्यूम कर डाली वो क्वांटिटी अपॉन ए इज़ बेसिकली द स्लोप किस रेट से कंज्यूम हो रहा है किस रेट से हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है तो टी की अगर हम बात करें हमेशा के लिए अगर एक फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो इसको यहां लिखने की बजाय इधर लिख देते हैं टी इज इक्वल टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड अपॉन रेट ऑफ कंजम्पन रेट ऑफ कंजम्शन क्या है बेसिकली डिमांड कह लो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स लिया उसमें क्या था हम ये कहते थे डिमांड ऑफ टू हंड्रेड पर डे मैं तो थाउजेंड मंगवाता था लेकिन मेरी डिमांड क्या थी टू हंड्रेड पर डे तो मैं डेली टू हंड्रेड सप्लाई करता था इसका मतलब उस गोडाउन में जो थाउजेंड पड़ी उसको मैं किस रेट से कंज्यूम कर रहा हूं निकाल रहा हूँ टू हंड्रेड तो टी का हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा क्वान्टिटी कंज्यूम्ड इन दैट पीरियड अपॉन रेट ऑफ कंजम्शन रेट ऑफ कंजम्शन भी एक हटा देते हैं इसको रेट ही कर देते हैं क्योंकि आगे जाकर के कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें कंजम्शन नहीं होगा तो लेट दिस बी रेट ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ क्राफ्ट या इसको सिंपली स्लोप भी कह सकते हैं तो हम रेट बोल देते हैं तो यहां हमने देखा टी क्या है कंप्लीट ऑर्डर कंज्यूम हो जाना टाइम बिटवीन ऑर्डर और साइकिल टाइम इसका मतलब जितना मंगाया वो सब खर्च हो जाना चाहिए कितना मंगवाते हो आप कभी भी ईओ क्यू क्वान्टिटी कंज्यूम्ड ईओ क्यू आज कंज्यूम किया कल कंज्यूम किया कभी भी किया पूरे टी के अंदर जो हजार यूनिट्स मंगाई थी थाउजेंड मंगाई थी कंज्यूम हो गई मैनुफेक्चरिंग मॉडल में चलिए मैनुफेक्चरिंग मॉडल में हमने थाउजेंड का लॉट साइज निकाला था इनवेंट्री बढ़ कैसे रही थी एंड देन इट कमिंग डाउन बाय टू हंड्रेड तो वहां पर भी क्या हुआ इन्वेंट्री बढ़ने का अलग रेट हो सकता है कम होने का अलग रेट हो सकता है लेकिन आइडिया यही था कि उस अमाउंट में हमने पूरे टी के अंदर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर ली थी थाउजेंड तो टी जो है वो तो हमेशा जितनी क्वांटिटी अपॉन रेट क्वांटिटी कितनी थी थाउजेंड थी रेट क्या थी टू हंड्रेड पर डे तो वो हमारा टी बन जाएगा अब अगर हम यहां पे चलते हैं टी वन पे तो वन को अगर यहां से देखा जाए एक बार रफ में इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं फिर से टी वन क्या है ये टी वन है हमारा अब अगर मैं इस टीवन की बात करता हूं तो ये t1 है दिस इज द टाइम विच वी आर कॉलिंग टीवन इस t1 के अंदर क्वांटिटी स्विंग कितना हुआ है t1 के शुरू में क्वांटिटी कितनी थी इतनी थी खत्म होते होते क्वांटिटी कितनी रह गई इतनी रह गई तो इसका मतलब तो क्वांटिटी कितनी चेंज हुई t1 में इतनी हुई जिसको कि यहां से अगर मैं देखूं तो कितनी कम हुई है q1 फिर अगर मैं टी टू को स्टडी करने की कोशिश करूं तो ये टी टू है टी टू कहां से शुरू हुआ यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया इट इज स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट एंड इट इज एंडिंग एट दिस पॉइंट तो टी टू यहां से लेकर के यहां तक चल रहा है अब यहां से यहां तक अगर हम जा रहे हैं तो यहां फर्स्ट पॉइंट जहां पर हम स्टार्ट हुए थे तब इन्वेंट्री कितनी थी इतनी थी और जब हम खत्म हुए तब इस पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं तो इन्वेंट्री कितनी हो गई है इतनी हो गई है विच इज इफ वी चेक फ्रॉम यर क्यू टू तो अब इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे हम हमेशा और हमेशा हमारा टाइम Easily हमारे को मिल जाएगा कि कितना टाइम पीरियड आ रहा है क्या है हमारा फॉर्मूला क्वांटिटी कंज्यूम टी वन में कंजम्पशन कहा स्टार्ट में हम यहां थे और एंड में यहां थे तो ये क्वांटिटी कितनी लिखी है आपने क्यू तो ये तो क्वांटिटी है जो आपकी आपने कंज्यूम कर लिया क्वांटिटी कंज्यूम एंड रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ चेंज अब यह रेट क्या है किस रेट से हम नीचे आ रहे थे अगर वो आपको याद हो तो थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड एंड जीरो अब यहां क्या हो जाएगा थाउजेंड तक तो हम जाएंगे ही नहीं हमने तो क्या लिया था फोर हंड्रेड का नेगेटिव याद हो तो सिक्स हंड्रेड तक जाते हैं तो दिस सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड जीरो टू हंड्रेड फोर हंड्रेड तो इसका मतलब आप किस रेट से कम हो रहे हैं टू हंड्रेड पर डे टू हंड्रेड पर डे क्या है एक्चुअली आपका कंजम्पशन रेट है तो वी विल ए अगर ये ए वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इट विल बी मोर क्लियर जब हम मैनुफेक्चरिंग मॉडल्स की बात करेंगे फॉर नाउ इसको हम क्या ले लें कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड और उसमें जो ग्राफ के नीचे आने का या ऊपर जाने का रेट है तभी तो, तो यह ग्राफ नीचे ही आ रहा है किस रेट से नीचे आ रहा है टू पर डे टू पर डे क्या था हमारा डेली कंजन था वाइट तो इस तरह से हमारा ये चलेगा तो ये हो गया हमारा कौन सा सेकेंड मॉडल विच इज परचेज मॉडल विद शॉर्टेज अब इसमें बार बार ऐसा होता है कि कई बार एक लेक्चर चलाते हुए मैं दूसरे लेक्चर्स की रेफरेंस दे देता हूं क्योंकि वो एग्जाम्पल हमने कब लिया था जो थाउजेंड वाला और टू हंड्रेड वाला आज भी मैंने कई बार रेफरेंस लिया वो एग्जाम्पल हमने लिया था जब हम ईओ क्यू की बात कर रहे थे जब हम परचेज मॉडल और मैनुफेक्चरिंग मॉडल का डिफरेंस देख रहे थे अभी तो चलो मैनुफेक्चरिंग नहीं बनाया तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उस टॉपिक की सीरीज को पूरा देख लें वो सीरीज कैसे देखी जाएगी तो अगर आप प्ले के अंदर जाएंगे चैनल के ऊपर प्ले के अंदर जाएंगे तो उस प्ले में आपको उस टॉपिक की इन्वेंट्री की जैसे अभी हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं इंवें इंवें तो इन्वेंट्री की आपको एक प्ले मिल जाएगी इन्वेंट्री की प्ले नहीं मिल रही है तो इन्वेंट्री किस सब्जेक्ट में आता है प्रोडक्शन में आता है तो आप प्रोडक्शन की प्लेलिस्ट में चले जाइए वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे अब उसमें से हम अपने इन्वेंट्री वाले कैसे ढूंढेंगे जब भी किसी वीडियो का टाइटल लिखा हुआ होता है तो उसके अंदर जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को एक सीरीज मिल जाती है जैसे कि इन्वेंट्री के जब चल रहे होंगे तो उसमें क्या होगा आई एन वी डैश वन आई एन वी डैश टू आई एन वी डैश थ्री तो जब हम इन्वेंट्री का पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड मेक इट श्योर कि हम वो इन्वेंट्री के वन टू थ्री फोर फाइव सारे पढ़ लें पर्ट सीपीएम पढ़ रहे हैं तो सीरीज वुड भी पीसी वन पीसी टू पीसी थ्री उसके अलावा हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ा तो सीरीज थी पीपीसी वन पीपीसी टू पीपीसी थ्री तो उससे हमारे को ये आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारे सारे टॉपिक्स

और आज हमने दोनों कौन से लिए परचेस मॉडल्स लिए मैन्युफैक्चरिंग की अभी बात नहीं की है एंड नेक्स्ट टाइम वी मीट विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स सो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम डू टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय